नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रश्मि फ्लाई हाई। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। दोस्तों, यूं तो पूरा देश तीनों सेनाओं का तहे दिल से आभार मानता रहा है, लेकिन उनकी देशभक्ति और सेवा के लिए हमेशा से उनके आगे नतमस्तक रहा है। लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन के शौर्य और वीरता के बाद से पूरी दुनिया भारतीय सेना के मजबूत इरादों का लोहा मानने लगी है। अब ऐसे में वाराणसी में एक बेहद साधारण परिवार में जन्मी एक बेटी शिवांगी सिंह की कहानी हम सबको रोमांचित कर देती है। आप जानना चाहते हैं कौन है शिवांगी सिंह, तो मेरी इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। और हाँ, इसी तरह की कई और कहानियां, किस्से, खबरें जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल की तरफ रुख कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पसंद आए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश के सबसे ताकतवर फाइटर विमान राफेल गोल्डन एरो में क्लौती और पहली महिला लेफ्टिनेंट शिवांगी को देश पर नाज है। शिवांगी सिंह जो भारतीय वायुसेना में रफाल आया है उसको उड़ाएंगी। मेरा ख्याल है वो पहली महिला होंगी जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट 4.5 generation फाइटर जेट को उड़ाएंगी। ये बहुत गर्व का विषय है और एक सेना में सर्विस किया हुआ एक ऑफिसर के रूप में मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। साल 2017 में कमीशन मिलने के बाद से फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी MiG-21 बिसान उड़ा रही थी। आपको बता दें कि शिवांगी भारत के सबसे प्रसिद्ध फाइटर पायलटों में से एक विंग कमांडर अभिनंदन के साथ उड़ान भर चुकी हैं। बता दें, शिवांगी भारतीय वायुसेना के सबसे पुराने जेट विमान MiG-21, बाइसन और सुखोई MKI से लेकर अत्याधुनिक राफेल विमान को उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला भी है। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि अब राफेल का सीधा रिश्ता वाराणसी से जुड़ गया है और इसकी वजह बनी है लेफ्टिनेंट शिवानी सिंह। दोस्तों, आपको बता दूं, शिवानी सिंह ने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए तमाम बहुत सारी परीक्षाओं को पास कर राफेल के स्क्वाड्रन गोल्डन एरो में शामिल हो गई हैं। पहली महिला फाइटर पायलट बनने के बाद उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं है। आप उनके परिवार के साथ इन तस्वीरों से इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं। वाराणसी में एक साधारण परिवार में जन्मी शिवांगी उस वक्त सुर्खियों में आई जब उनके सिर पहली महिला फाइटर पायलट बनने का ताज सजा। अब उनके नाम एक और कीर्तिमान होने जा रहा है। मेरा ख्याल है ये जिस दिन वो फ्लाई करेंगी वो भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक गोल्डन चैप्टर होगा। और मेरा ख्याल है शिवांगी सिंह एक वो अमर हो जाएंगी जिस दिन वो फ्लाई करेंगी, क्योंकि इतिहास उनको कभी नहीं भूलेगा। और जब जब नारी सशक्तिकरण की वायुसेना में बात होगी तो शिवांगी सिंह जब इस धरती से प्रभु धरती से भी विदा लेंगी तो भी वायुसेना के मानस पे वो सदा जिंदी रहेंगी। और जो भविष्य में जो नारियां महिलाएं फाइटर जेट उड़ाना चाहती हैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन के वो रहेंगी। वेल डन शिवांगी सिंह, वेल डन इंडियन एयरफोर्स।